हाय दोस्तों, आज हमारे पास 2018-19 मॉडल इको स्पोर्ट आई है स्मार्ट की। गाड़ी के अंदर पानी वाली लाइट आ रही है ये, और गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है जो हमारा अर्जेंट पिकअप रहना चाहिए। जो आरपीएम खड़ी गाड़ी में फुल जाना चाहिए 4,500, तो हमारा आरपीएम 3,000 से ऊपर नहीं जा रही है। तो देखते हैं किस कारण से आ रही है लाइट। सबसे पहले इसको डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस फोर्ड यूएसए ऑटोमेटिक। सिस्टम सिलेक्शन पावर कंट्रोल मॉड्यूल रीड ट्रिबल कोड। इसके अंदर ये दो कोड आ रहे हैं, हाई सर्किट ऑफ इंटीग्रेटेड टेम्परेचर सेंसर, सेंसर टू बैंक वन। एक तो ये कोड आ रहा है, टायर टर्बो सुपर चार्जर बूस्ट सेंसर है सर्किट हाई। तो जहाँ तक ये जो कोड आ रहा है हमारा एयर टेम्परेचर वाला, तो ये टर्बो बूस्ट वाला जाएगा तो ये एयर टेम्परेचर वाला ऑटोमेटिक चला जाएगा। फिर भी हम एक बार वायरिंग चेक करेंगे इसकी, देखते हैं। सबसे पहले हम टर्बो जो हमारी FICD रहती है, अगर उसमें वैक्यूम नहीं आएगा तो भी ये कोड बनेगा। एयर फिल्टर के नीचे FICD लगी रहती है, तीन पाइप रहते हैं उसके अंदर जिसमें वैक्यूम आता है, और ये टर्बो एक्चुएटर को ऑन ऑफ करने का काम करता है। जो हमारी क्लच रॉड रहती है टर्बो के अंदर, उसको खींचने का काम करता है। 3,000 RPM के बाद में जाके उस वैक्यूम डब्बी पे आना वैक्यूम आना बंद हो जाता है। 3,000 से पहले वो काम करता है। या एयर मास्क की भी वायरिंग चेक करेंगे, पहले एयर फिल्टर बाहर करते हैं। सबसे पहले FICD की वायरिंग, FICD की वायरिंग और वैक्यूम दोनों चेक करते हैं। इसमें वैक्यूम चेक करेंगे कि हमारा वैक्यूम पंप वैक्यूम बना गया है। तीन पाइप लगी रहते हैं इसके अंदर। पाइप तो हमारे सही है, वैक्यूम भी आ रहा है। न्यू मॉडल इको स्पोर्ट है, इसके अंदर पानी वाली लाइट आती है अगर टर्बो बूस्ट प्रेशर से संबंधित कोड आता है। ओल्ड मॉडल के अंदर स्टार वाली लाइट आती है। तो ये हमारे कोड आ रहे हैं, क्लियर करते हैं। क्लियर हो नहीं रहे हैं, करंट में कोड है। क्लच की राड इंजन ऑफ ऑन करने के बाद में ये राड हमारी अप डाउन होना चाहिए।
टर्बो हमारा ठीक है। वायरिंग चेक करते हैं, वायरिंग भी ठीक है। एयरमास सेंसर के सारे वायर एसीएम पे जाते हैं, एसीएम से कनेक्टिविटी देख ली है अपने। ये कनेक्टिविटी मल्टीमीटर से बीप पे करके डायरेक्ट एसीएम पे आ रहे हैं। टर्बो के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर आता है उसकी वायरिंग कंप्लीट है। अब हमारा बूस्ट प्रेशर सेंसर है, इसकी वायरिंग चेक करते हैं। वायरिंग बाहर करो थोड़ी और इसकी कनेक्टिविटी देख लो। और इस चारों वायर की एसीएम तक कनेक्टिविटी देखना है। एक सेकंड, वायर ही कटा हुआ बेटा इसका। चलो वायर जो टिपिंग करो जरा इस पर, तो फिर चेक करो करो कंप्लीट करो इधर से, वीडियो में पता चलेगा फाल्ट। ये जो सॉकेट है सबसे ज़्यादा लूज कांटेक्ट इसमें दिक्कत आती है, तो हमारे जो FICD के वायर थे वो इसमें नहीं आ रहा है, वो डायरेक्ट ACM पे जा रहे थे। तो ये भी हमने वायरिंग चेक कर ली है, चलने लगा। सॉकेट लगा दे बस। ये हमारा पढ़ने वाला साइन भी चला गया। तो जो हमारा डाउट था वो सही था, बूस्ट प्रेशर सेंसर का कोड गया, उसके साथ एयर मास एयर टेम्परेचर सेंसर का जो आ रहा था वो भी चला गया। मतलब एक चीज़ से दो कोड बन जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।